वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा होल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए ये यूपी पीसीएस का जब ऑनलाइन फॉर्म फिल का नोटिफिकेशन आया था ये उसका नोटिस है। इसमें आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिलेगी कि आपको क्या क्या यूपी पीसीएस पूछने वाला है मेंस में। वैसे इन लोगों की जो प्लानिंग है वो पूरा यूपीएससी के जैसा ही, यूपीएससी आईएएस के जैसा ही इनको पूरा सिलेबस देना है। बट इसमें इन्होंने कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे कि अदर स्टेट में होता है यूपी स्पेशल, तो वो भी कुछ डाला हुआ है। तो और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। तो देखें, देखिए सबसे पहले तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, ये सब कुछ है इसमें। मेंस के लिए जो सब्जेक्ट है कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें, मैं आपको बता दूं। सामान्य हिंदी होगा 150 मार्क्स का होगा, निबंध होगा वो भी 150 का होगा, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 200 मार्क्स का होगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र वो भी 200 मार्क्स का होगा। इस तरीके से जितने भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र वो 200 200 200 200 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से ये 800 मार्क्स का होगा और उसके बाद सामान्य हिंदी और निबंध ये टोटल मिला के 300 मार्क्स का होगा। तो ये तो इनकी, ये तो इसमें है। और सब में इसमें देखो लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र और हेमंत निविदा ये सब कन्वेंशनल टाइप्स के होंगे। ओके, हल करने की अवधि 3 घंटे होगी। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय जो भी हैं उनको भी 3 घंटे का निर्धारित है। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सा वैकल्पिक विषय इसमें लिए गए हैं और कौन कौन से छोड़े गए हैं। तो कृषि है वैकल्पिक विषय में, प्राणी विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, भौतिक है, गणित है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है इसमें, भू विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, पशुपालन, सांख्यिकी, रक्षा अध्ययन, प्रबंध, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, समाज कार्य, नरविज्ञान, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी इंजीनियरिंग भी हैं, इंग्लिश साहित्य और उर्दू साहित्य है इसमें, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर, अरबी लिटरेचर भी है, हिंदी लिटरेचर भी है, फारसी लिटरेचर भी है और संस्कृत लिटरेचर भी है, वाणिज्य एवं लेखायन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कृषि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और चिकित्सा इंजीनियरिंग, मेडिकल भी है इसमें। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। अब हम देख लेते हैं जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए सामान्य हिंदी में गद्य पद होंगे, संक्षेपण होगा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुक, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब हिंदी में आएगा। नेक्स्ट इसमें है कि हिंदी में देखिए निबंध और अंग्रेजी उर्दू में भी लिखे जा सकते हैं। आपको जो भी सुटेबल लैंग्वेज लिखे उसमें आप निबंध लिख सकते हैं और एक विषय पर 700 वर्ड्स पर आपको इस पर ध्यान देना है कि ये 700 शब्दों का आपको निबंध लिखना है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस भी 700 शब्दों की प्रैक्टिस करें। तो साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र सेकंड खंड में है, साइंस एंड टेक विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार और थर्ड में है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं, ये सब आपके निबंध में आ जाएंगी। देखिए खंड सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र का, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत मतलब बहुत वास्ट है। अगर आप अभी से भी तैयारी करना शुरू करते हैं और 6 महीने हैं आपके पास तो भी आपके लिए कम पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क भी करना होगा और थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना होगा। थोड़ा नहीं, हार्ड वर्क तो बहुत करना होगा, साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अगर आपका, आपको लगता है कि आपका प्री क्लियर होने वाला है तो आप फटाफट से मेंस की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि इतना लंबा सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब देखिए ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है, इसका सिलेबस कितना बड़ा है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, आधुनिक काल, प्ररूप साहित्य, ये सब है महत्वपूर्ण घटनाएं, आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और उसके बाद एंशियन हिस्ट्री है, ये तो तीनों इसमें ले लिया इन्होंने। ओके, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण पुनर्गठन भी आ गया, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी, जो हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसमें ले लिया गया है।
उसके बाद विश्व इतिहास भी है इसमें, 20वीं सदी के मध्य घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, मतलब पूरा जो भी यूपीएससी का सिलेबस है सेम वही सिलेबस है। और थोड़ा सा चेंज बस ये है कि इसमें यूपी स्पेशल को और ऐड किया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें हमें यूपीएससी में तो हमें ये पता है कि कौन सा मार्क्स का कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कितने, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कितने, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसका अभी मॉडल पेपर भी जारी नहीं किया गया है कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, जिनका फिलॉसफी है सब्जेक्ट, उनको थोड़ा यहाँ फायदा मिल सकता है, उनको यहाँ भी फायदा मिल सकता है, और उनको निबंध लेखन में भी फायदा मिल सकता है, थोड़ा सा उनको एथिक्स में भी फायदा मिल सकता है जिनका फिलॉसफी सब्जेक्ट है। बट मैं ये इसलिए बताते चल रही हूँ ताकि आप लोग जो लोग नए लोग हैं उनको पता चलता जाए कि किस सब्जेक्ट को लेने से कितना पॉसिबिलिटी है मेंस में अच्छे से आंसर राइटिंग करने में। नेक्स्ट है समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषता है महिलाओं की समाज एवं संगठन, महिलाओं संगठन में भूमिका, जनसंख्या सम्मत, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सांप्रदायिक, इसके बाद भौगोल और विश्व की प्रमुख प्राकृतिक संस्थाएं, जल, मिट्टी, दक्षिण पूर्वी एशिया, उसके बाद आप ये देख लीजिए भौतिक भूगोल, और उसके बाद ये आप सब देखिए, मतलब इसके बाद लास्ट में ये उत्तर प्रदेश विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, ये आ गया। नेक्स्ट इसमें उत्तर प्रदेश का भूगोल, मतलब आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ ही साथ में इसमें दो चीजें और जुड़ेंगी, हिस्ट्री ऑफ यूपी और ज्योग्राफी ऑफ यूपी। तो ये सब भी आपको फर्स्ट पेपर में ऐसा मोटा मोटा अंदाजा लगा के आप चलिए, ये आएगा फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में देखिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये सब आएगा। मतलब जो जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सेकंड पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पेपर में क्या आएगा कि ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सरकारी नीति, उनके विविध क्षेत्र, हस्तक्षेप, अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन, जनप्रतिनिधित्व, ये सब देखिए, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, मतलब यहां तक पूरा आप देखिए तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, मतलब यहां पर जो कल्याणकारी योजनाएं आ गई है, तो यहां से आपको पता चला यहां पर थोड़ा सा करंट का समावेश हो गया, क्योंकि जितनी भी करंट की योजनाएं हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी घटनाएं कर्म घटते हैं वो सब आपका सेकेंड पेपर में आ गया। उसके बाद स्वास्थ्य एवं शिक्षा, गरीबी और भूख, शासन, ई गवर्नेंस, ये सब करंट के सब्जेक्ट हैं। जो करंट का सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपसे पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी करंट है वो आपका सेकंड पेपर में आएगा। भारत एवं उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप आ गया अब सेकंड पेपर में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सेकंड पेपर में एक एक्स्ट्रा चीज जो जुड़ी है वो है यूपी का प्रशासनिक राज्य, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था की विशिष्ट जानकारी, महत्वपूर्ण इंटरनेशनल संस्थाएं और मंच, उनकी सारी विवेचनाएं, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो इनसे हमें देखो फर्स्ट पेपर में हमारा जो मोटा मोटा हमने अंदाजा लगाया है वो इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी। सेकेंड पेपर में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से और पॉलिटी से संबंधित जितनी भी करंट की घटनाएं हैं, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और यूपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूपी का जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं, यूपी का जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था हैं या फिर न्यायिक व्यवस्था है, वो सब कुछ सेकंड पेपर में आ गए। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पेपर की, भारत में नियोजन, थर्ड में नीतियां, आयोग, नीति आयोग की भूमिका, मतलब यहां से इकोनॉमिक्स आ गया। ओके, तो इकोनॉमिक्स, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, ये सब पूरा, और फसल, एग्रीकल्चर आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। फिर से यहाँ पे देखते हैं भारतीय खाद्य एवं प्रसंस्कृत उद्योग, ये पूरा इकोनॉमिक्स है, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान, पूरा ये इकोनॉमिक्स है। उसके बाद साइंस एंड टेक आ गया, और पर्यावरण भी थर्ड पेपर में आ गया, पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, ये सब आ गया आपका थर्ड पेपर में। तो हमने थर्ड पेपर में मोटा मोटा अंदाजा क्या लगाया, देखिए इसमें ये भी है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रति विद्रोह, संगठित अपराध, उत्तर प्रदेश का बजट भी इसमें आ गया, कृषि बागवानी भी मुद्दे भी आ गए, उत्तर प्रदेश से
के विशेष संदर्भ के कानून और व्यवस्थाएं भी नागरिक सुरक्षा भी सी में आ गई। तो थर्ड पेपर में हमने जो अंदाजा लगाया मोटा मोटा, थर्ड पेपर में देखिए एक तो आपका इंडियन इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमी के बाद इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी करंट है वो आपका थर्ड पेपर में आएगा। उसके बाद करंट के साथ साथ आपका आएगा ये जो आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर थर्ड पेपर में आएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट है वो थर्ड पेपर में आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो थर्ड पेपर में आएंगे। ऐसे हमने मोटा मोटा अंदाजा इस तरीके से आप डिवाइड करके एक चार्ट बना लें और अपने रूम में टांग लें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या, मतलब अगर ये आप पूरा का पूरा उतार के एक चार्ट लगा लें, दो तीन बार आप देखेंगे ना तो आपके माइंड में खुद ही एक प्लानिंग बन जाएगी और आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज करनी है। ओके, क्योंकि करंट भी अपने आप में बहुत वास्ट है, सब्जेक्ट के बाद करंट भी साथ साथ में लेके चलना थोड़ा सा टफ है, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपका प्री हो जाएगा तो आपको ये करना ही करना होगा। ओके, फोर्थ पेपर में हम बात करते हैं देखिए इथिक्स की, तो नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः अभिव्यक्ति ये सब आ गया, संरचना कार्य आचरण परिवेश ये सब सिविल सेवा के लिए, अभिरुचि संवेगात्मक वृद्धि अवधारणाएं आयाम प्रशासन शासन व्यवस्था उपयोगिता लोक प्रशासन में लोक की सिविल ये सब आ गया, शासन व्यवस्था में ईमानदारी ये सब आपका एथिक्स में आ गया और केस स्टडी आ गया एथिक्स में। तो हमने मोटा मोटा क्या अंदाजा लगाया, मोटा मोटा ये अंदाजा लगाया कि जो हमारा फोर्थ पेपर है वो एथिक्स है, थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स करंट, उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करंट, और उसके बाद हमारा आ गया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितना भी करंट है, और यूपी का इकोनॉमिक्स और यूपी का करंट। ओके, सेकंड पेपर में हमने जो अंदाजा लगाया सेकंड पेपर में हमारा इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी करंट आ रहा है, और उसके बाद हमारा सेकंड पेपर में हमने ये देखा कि इसमें यूपी का भी पॉलिटी, यूपी का भी इसमें न्यायिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप किस में आ रहा है आपका सेकंड पेपर में आ रहा है। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में हमने बताया था इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, और यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी। देखिए मार्केट में अभी तो हमारे पास ऐसा यूपी स्पेशल कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ना कोई ऐसी बुक आई है जिसमें यूपी के लिए इतना पूरा डिटेल में हमें पता हो, और ना ही यूपी पीसीएस ने कोई ऐसा मॉडल पेपर जारी किया है जिससे पता चल जाए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। बट फिर भी इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अगर हमें तैयारी करनी है तो आप लोग अगर कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अगर आप लोग नए हैं बिल्कुल आपको नहीं पता, देखिए जो चार पांच साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, पर जो लोग नए हैं वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट खुद से तैयारी करना चाहे तो ये तो और भी अच्छी बात है। और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो हम मार्केट में सभी क्लासेस के नोट्स उपलब्ध हैं, दृष्टि है, दृष्टि और भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जिनके नोट्स उपलब्ध हैं, तो आप उनके नोट्स भी ले सकते हैं। जो भी आप करना चाहें, जैसे भी आप टाइम मैनेज करें आप कीजिए, बहुत कम टाइम है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो एक मोटा मोटा ऐसे अंदाजा बना के आप अपने रूम में लगा लीजिए, उससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा भी आपको कुछ और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।